डीक्लटर योर माइंड। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ कि लास्ट आपने कब अपना ऑफिस साफ करा था, लास्ट आपने अपना घर कब साफ करा था, लास्ट अपने आपने बेड कब साफ करा था, लास्ट अपने मोबाइल कब मेमोरी फ्री करा था, लास्ट आपने अपने लैपटॉप की मेमोरी कब फ्री करी थी। आपके पास बहुत सारा सब क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे। कोई बोलेगा 7 डेज में, कोई बोलेगा मैं डेली करता हूँ, कोई बोलेगा मैं 15 डेज में, कोई बोलेगा 1 मंथ में, कोई बोलेगा मेरा मोबाइल जब फुल मेमोरी हो जाता है तब मैं उसको डिक्लटर करता हूँ। सबके आंसर्स होंगे आपके पास, लेकिन जब मैं आपसे पूछूंगा कि आपने माइंड को कब डिक्लटर करा था तो आपके पास आंसर नहीं होगा। एक हेल्दी माइंड, एक क्लींस माइंड ही किसी थॉट्स को अपने अंदर इनपुट दे सकता है। जब तक आपकी मेमोरी फ्री नहीं होगी, जब तक एक्स्ट्रा थॉट पैटर्न्स होंगे, जब तक उससे लगते हुए नेगेटिव थॉट पैटर्न्स होंगे, आप मांग रहे हैं एबंडेंस ऑफ मनी और लैक ऑफ मनी के बहुत सारे फीलिंग्स आपके पास हैं। कभी दूध वाले को पैसे देने के लिए नहीं है, कभी रेंट के लिए पैसा नहीं है, कभी और कोई पैसा मांग रहा है उसको पैसे देने के लिए नहीं है। लैक ऑफ फील, ये फीलिंग्स लैक ऑफ मनी की कंटिन्यूसली आपके पास है, तो आप उसमें एबंडेंस की फीलिंग्स डालेंगे तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो एक अपोजिट थॉट है और दो अपोजिट थॉट एक साथ माइंड में नहीं रहते हैं। दो फीलिंग्स एक साथ नहीं रहेंगे, या आप दुखी होंगे या आप हंसेंगे। एक ही स्टेज पर, एक ही इंसिडेंस में आप दोनों चीज़ें नहीं कर सकते हैं कि खुशी भी हो रोए भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पुरानी चीज़ों को, पुराने थॉट पैटर्न्स को डीक्लटर करना, जो कि हम आगे इन एक्सरसाइज में सीखेंगे कि उसको कैसे डीक्लटर करना है, कैसे उन थॉट पैटर्न्स को निकालना है। उसका बहुत ही अच्छा तरीका है, मेडिटेशन कीजिए, ट्रांस में जाइए और उन थॉट्स को रिलीज होने दीजिए। हम क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो थॉट्स जैसे आते हैं हम समझते हैं कि मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, जब भी आप मेडिटेशन करते हैं वो जो थॉट्स आ रहे हैं वो डीक्लटर हो रहे हैं, आपके अंदर से बाहर निकल रहे हैं, तो उन्हें जाने दीजिए, उन्हें लेट आउट कीजिए, उनको रिलीज़ कीजिए अपने अंदर से। डिफरेंट इमेजिनेशन टेक्निक्स को यूज़ कीजिए आप रिलीज़ करने के लिए उन थॉट पैटर्न्स को। और एक बार आपने थॉट पैटर्न्स को रिलीज़ कर दिया, नए थॉट उनसे ज़्यादा फीलिंग के क्रिएट करें, माइंड उनको इम्पोर्टेंट समझता है और बहुत ही जल्दी उनको पूरा करता है। तो बहुत ज़रूरी है माइंड को क्लींस करना, तभी आप उसके साथ वर्क कर सकते हैं। थैंक यू।